Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Sister, main aura ki baat soch raha tha. In the same connection, I was reading a line I would like to share with you. It says, a clear, strong, radiant aura protects you from lower vibration. Beautiful. Main hamesha protection kisi aur ko hi samajhta tha. किसी को बुलाता था, फोन करता था, मुझे जरा प्रोटेक्शन दो, मुझे कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, व्हाट कैन आई डू. वो भी बहुत मदद करता है, लेकिन इक्वेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. लोअर फ्रीक्वेंसी मींस एक लोअर एनर्जी, मतलब कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है वो एनर्जी. अगर आसपास के हमारे लोग कोई दर्द में है, कोई ईर्ष्यावश, कोई दुख, तो वी आर सराउंडेड बाई नेगेटिव एनर्जी. उसके अलावा अगर हमारे से कोई ईर्ष्या करता है या कोई सोच में चाहता है कि हमारा नुकसान हो, हमारे साथ गलत हो, तो देन वी आर सराउंडेड बाई इवन मोर पावरफुल नेगेटिव एनर्जी. और दूसरा है कि जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, उसमें हर एक के मन की जो स्थिति है, उसकी वाइब्रेशन तो चारों तरफ है ही. So we are surrounded right now at the present time with a little lower frequency. अब अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे और हमारी एनर्जी भी लो है, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी का हमारे ऊपर असर जल्दी होगा. अब आपने कहा अनईजी फील हुआ, कुछ ऐसा लगा, तो हमने किसी को कहा कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे लिए कुछ ऐसा करो ताकि आई फील बेटर. वो जो मेथड यूज़ करेंगे, उससे वो क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, राइट. यहाँ से कोई आत्मा की नेगेटिव एनर्जी हम पर असर कर रही है, और यहाँ से कोई और आत्मा हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रही है, तो उसका बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि somebody is sending me पॉजिटिव एनर्जी. तो वो पॉजिटिव एनर्जी जब मुझे मिलती है, माई एनर्जी फील्ड बिकम्स लिटिल हायर. मेरी एनर्जी फील्ड हायर होगी तो ये जो लोअर एनर्जी है मुझ पर वर्क नहीं करेगी. लेकिन ये मेरी एनर्जी फील्ड हाई हुई कैसे, किसी और ने मुझे पॉजिटिव एनर्जी भेजी. ओके, है ना. तो जब हम किसी और से कहते हैं मुझे हीलिंग दो, मेरा ऑरा क्लेंस करो, मुझे प्रोटेक्शन दो, इट वर्क्स. बिकॉज लाइक समवन इज क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी, देन समवन इज क्रिएटिंग प्योर एनर्जी, दोनों का असर होने वाला है. लेकिन अगर मेरी खुद की एनर्जी लो है बहुत, तो मेरी कनेक्शन ज़्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी से हो जाएगी, लो लो वाले से. तो फिर जो आप मुझे हीलिंग एनर्जी या प्योर एनर्जी भेज रहे हैं, उसका असर मेरे ऊपर उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दूसरी एनर्जी भी आ रही है और मेरी खुद की एनर्जी लो है. दूसरी चीज़, हाउ मच टाइम कैन आई कीप आस्किंग समवन एल्स to send me powerful pure energy. थोड़ी देर कह सकते हैं, कभी कभी कह सकते हैं, कुछ दिन कह सकते हैं, लेकिन हर रोज हर क्षण कौन भेजेगा हमें, वो तो नहीं हो सकता. Which means finally मेरा ध्यान किसको रखना होगा, मुझे अपने, मुझे खुद को. बट एक चीज है सिस्टर, हर क्षण हर समय मैं तो अपना कर सकता हूँ ना पॉजिटिव, और मैं तो हायर करके रख सकता हूँ, वो करेगा एक टाइम के लिए. खुद की एनर्जी खुद क्रिएट करनी है. हाँ, तो ये परमानेंट है ना, ये परमानेंट है, नॉनस्टॉप कर सकते हैं ना. यस, इंडिपेंडेंट है, इस पर हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहेगी. सपोज मैंने अभी एनर्जी पॉजिटिव क्रिएट की और आसपास की फ्रीक्वेंसी लोअर है, तो उसका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा कांस्टेंट. लेकिन अगर मेरी एनर्जी फील्ड लो है, आसपास भी लो है, आपने मुझे वहाँ से पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी भेजी, तो मेरी थोड़ी देर के लिए रेज होगी सिर्फ, फिर थोड़ी देर के बाद वापस. एंड आपकी एनर्जी भी मुझ पर उतना ही असर करेगी बेस्ड ऑन मेरी अपनी एनर्जी क्या है उस टाइम. अगर आप मुझे बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव भेज रहे हैं, लेकिन मेरी बहुत नेगेटिव है,
तो उसका असर बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला. एंड द ऑपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप मुझे बहुत नेगेटिव भेज रहे हैं लेकिन मेरी बहुत हाई है, तो उसका असर भी नहीं होने वाला. तो फाइनली डिपेंडेंट किस पे होंगे? खुद खुद की एनर्जी पर. बहुत बार हम कहते हैं कि उधर की एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी अच्छी नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा सोच नहीं रहा. जब हम उनके बारे में सोचते हैं, वायुमंडल की एनर्जी के बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास के लोगों की एनर्जी के बारे में सोचते हैं, हम खुद की फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेते हैं? लो करके उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर लेते हैं, तो हमारे पर असर ज़्यादा होता है. वी आर लिविंग इन दैट एनर्जी फील्ड. चाहे हम जिस वायुमंडल में हैं, समाज में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट में हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, फैमिली में हैं, पीपल एंड पीपल अराउंड अस, तो एनर्जी फील्ड्स हम उनको नहीं चेंज कर सकते. हम उनसे दूर भी नहीं भाग सकते. तो हमें उनके बीच ही रहना है और उस एनर्जी फील्ड के बीच रहकर अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है. अब वो समय है जब हमें अपना ध्यान और भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि आसपास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी और नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं. जैसे अगर हम आज साफ वातावरण में हैं तो हमारे घर में जो धूल पड़ेगी चीज़ों पर वो कम होगी. अगर हम एक दो दिन छोड़ के भी सफाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आसपास ही धूल नहीं है. हम बहुत क्लीन शहर में रहते हैं. लेकिन जब हम ऐसे स्थान पर रहेंगे जहाँ आसपास की धूल बहुत ज़्यादा है, तो फिर घर में चीज़ों की सफाई कितनी बार करनी पड़ेगी? बहुत बार. तो फिर हर रोज़ करनी पड़ेगी, और कई बार तो दिन में दो बार करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर बहुत धूल है. इसी तरह बाहर जितनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमें अपनी ऑरा की क्लेंजिंग और अपनी सफाई हर रोज़ करनी पड़ेगी. कभी कभी करके नहीं वो हो सकता. इट हैज़ टू नाउ बी डन डेली, विच मीन्स हमारी डेली रूटीन में छोटी 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 ऐसी बातें हों जिससे हमारी सोच क्या रहे? साफ रहे, सही रहे, साफ रहे, सरल रहे, प्योर रहे. जब वो सोच इतनी क्लीन और प्योर रहेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, एनर्जी फील्ड क्लीन, क्लियर, पॉजिटिव, पावरफुल, आसपास का वाइब्रेशन का असर हम पर नहीं होगा, हमारा असर औरों पर होगा. तो अब हमें सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ पावरफुल एंड व्हाट डू आई डू डेली. इम्पोर्टेंट ये है, जो भी हम करेंगे हमें रोज़ करना है. जैसे घर में रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ करते हैं. अगर हम रोज़ करते थे और फिर सडनली हमने चार दिन नहीं किया, तो वो चार दिन में फिर वो सारा सामान क्या हो जाएगा? नहीं, सामान खराब होता है और कुछ कुछ मैल ऐसी होती है. हाँ. उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है. राइट. वो टाइम लेता है निकलने के. इसीलिए रोज करना होगा. तो हमें रोज करना है. अब हम कौन सी छोटी छोटी चीजें करें जिससे हमारी एनर्जी फील्ड रोज हाई रहे? ऐसे नहीं हाई है फिर लो जा रही है, फिर हम उसको हाई करने की मेहनत कर रहे हैं, फिर लो हुई, फिर किसी का असर हुआ तो और लो हुई, फिर नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट लाइक दैट. वी हैव टू रिमेन हाई एंड गो हायर एंड हायर एंड हायर. सक्सेसफुल सोल मीन्स जो हायर 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 जाएगा अपनी एनर्जी फील्ड की प्योरिटी के अंदर. तो जैसे हमने देखा, सबसे पहली चीज़ सुबह उठते हमारी फर्स्ट थॉट्स क्या हैं इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसीलिए जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं, ज्ञान सुनते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या में जो चेंज लेकर आते हैं वो ये कि सुबह उठते ही फर्स्ट चीज़ मेडिटेशन. फर्स्ट थॉट स्टार्ट विद मेडिटेशन, कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर. और जो हमने इतने सारे एपिसोड्स में देखा, कोई भी परिवर्तन जो हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, हम अपनी डेस्टिनी में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो थॉट हम क्रिएट करके सबसे पहली थॉट सुबह वो देखें. जैसे हमने देखा था, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर. मैं हरेक को वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करती हूँ.
जितनी बार हम सुबह अपने आप को कहेंगे आई एक्सेप्ट एवरीवन, उससे क्या होगा? फॉरगिवनेस हो जाएगी ना. फॉरगिवनेस भी हो जाएगी और क्या होगा? हम हल्के हो जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, और रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तो हमारी तरफ से अच्छी वाइब्रेशन जाएगी, तो रिटर्न में अच्छी आएगी, तो एनर्जी फील स्ट्रांग होती जाएगी, एक्सपेक्टेशंस घटती जाएंगे. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग आवर माइंड, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर. एक्सपेक्टेशंस घटती जाएंगे तो रिएक्शन घटता जाएगा, हर्ट घटता जाएगा. तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी मेडिटेशन में सुबह डालने के लिए. आई एम अ डिवाइन सोल, मेरी हर सोच बोल कर्म प्योरिटी और प्यार से भरपूर है. आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर. फिर बाकी जो जो हमारे जीवन में चल रहा है उसके लिए हम थॉट्स डालें, जैसे मेरा शरीर, माय बॉडी इज़ परफेक्ट हेल्दी. कुछ अपने काम के लिए जो हम चाहते हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस. माय रिलेशनशिप वेरी ब्यूटीफुल. तो एक एक थॉट कैसी है, हम अपने मन की क्या तैयारी कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी. तो सुबह सुबह जब हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की थॉट्स क्रिएट करेंगे तो सवेरे सवेरे एनर्जी कैसी क्रिएट हो गई. अब ये छोटी सी मेडिटेशन हम क्रिएट करके सुबह उठते ही एटलीस्ट फाइव टाइम्स, अभी ये मेडिटेशन नहीं, जस्ट पावरफुल थॉट जो हम क्रिएट करके एटलीस्ट 5 times हम उसको धीरे 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 उच्चारण करें अंदर, मतलब मनन करें, और उसको विजुअलाइज भी करें. और उसको लिखने का तरीका क्या, जो हम चाहते हैं कि हो वो हमें थॉट लिखनी है, इट ऑलरेडी इज़. तो जो हम चाहते हैं कि हो वो हमें क्रिएट करना है, अपने संस्कारों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वायुमंडल के लिए, अपने काम के लिए, ये हम करें. अब जब हम इसको 5 बार ऐसे करते हैं और उसको विजुअलाइज भी करते हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स क्रिएट करने से हमारी एनर्जी फील्ड क्या हो रही है, हाई हो रही है. अगर हमें किसी को क्षमा करना है, हम उसमें थॉट क्रिएट करें, दिस कार्मिक अकाउंट इज ओवर, पास्ट, आज से हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है. अगर हमें अपनी जेलेसी के संस्कार को हील करना है, आई एम हैप्पी टू सी अदर्स डूइंग वेल, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है जब औरों की तरक्की होती है, पीपल डू वेल इन व्हाट दे आर डूइंग. हर चीज़ में एक थॉट हमें इस तरह से क्रिएट करनी है. जब हम इसको मॉर्निंग में करेंगे, हमारी ऑरा सुबह सुबह एनर्जी फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी की हो गई. एंड हम लोग क्या रेडिएट करेंगे फिर? जो हमने क्रिएट किया वो रेडिएट हो रहा है. अब अगर हम ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर आकर मेडिटेशन एक्चुअली सीखें विधि पूर्वक, ये तो हम एक क्रिएट करके उसको मनन कर रहे हैं. अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं तो उसमें हम सीखेंगे कि परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है. एक है मेरी अपनी थॉट्स इतनी पॉजिटिव और पावरफुल हो कि मेरी एनर्जी हाई हो जाए. एक है इसके साथ साथ मैं उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ूं. मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा की सर्वशक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर भर रही हैं. जैसे हम कोई नेगेटिव जो सोच रहे हैं उनको अगर याद करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, लो, और उनकी वाइब्रेशन का हमारे ऊपर असर होता है. ऐसे ही अगर परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई, और उनकी वाइब्रेशन का हमारे ऊपर असर होगा. हाउ ब्यूटीफुल. तो अगर वो कनेक्शन हमने जोड़कर अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, सो इमेजिन ऑरा कैसा बन जाएगा फिर उससे. इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या चाहिए आपको? Yes. और क्यों बॉडी, जिसने बॉडी धारण की उससे क्यों चाहिए? हाँ. उससे अबव परमपिता परमात्मा की अगर right. सुबह एनर्जी से मुझे कनेक्शन मिल जाए हाँ. और वहाँ की ब्लेसिंग्स मिल जाए right. तो वर्ल्ड से क्या चाहिए. जैसे आपने कहा हम औरों से हीलिंग मांगते हैं हम औरों से पावरफुल एनर्जी मांगते हैं. आत्माएं जब हमारे लिए पॉजिटिव सोचती हैं उसका हमारे ऊपर असर पड़ जाता है एंड वी गेट प्रोटेक्टेड. तो जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तो कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी. तो उसके बाद कोई नेगेटिव एनर्जी
किसी की हर्ट, किसी की नाराज़गी, किसी की उदासी, इसकी वाइब्रेशन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज ये मेडिटेशन. सेकंड थिंग, सुबह सुबह क्या पढ़ना सुनना. फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन. अब सुबह सुबह हम थोड़ा सा समय, आधा पौना घंटा निकाल के, बहुत जल्दी जाना है ऑफिस तो भी 15-20 मिनट निकाल के कुछ बहुत बहुत श्रेष्ठ परमात्मा के महावाक्य सुने, पढ़ें. अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है इन्फॉर्मेशन. सुबह सुबह अगर हाई एनर्जी इन्फॉर्मेशन भर ली अपने अंदर, तो एनर्जी फील क्या हो जाएगी? वेरी हाई हो जाएगी. अब ये मॉर्निंग की रूटीन देखें कि फर्स्ट चीज़ मेडिटेशन, सेकेंड चीज़ इन्फॉर्मेशन. तो हम सेंटर पर जाकर परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं. ये मेडिटेशन और मुरली अगर सुबह सुबह हो गई तो आप देखो ऑरा क्या बन गया. अब इसके विपरीत हम पहले क्या करते थे, सुबह उठते फर्स्ट थॉट, टायर्ड उठे हुए हैं, थके उठे हैं, चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग पिला दे तो उठूं, ये सब करते हैं. फिर उसके ऊपर सामने वो चाय के साथ न्यूज़पेपर आ जाता है. तो ये है मेडिटेशन एंड मुरली, ये है ऑर्डिनरी वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव भी एंड न्यूज़पेपर. डिफरेंस दिख रहा है दोनों चीज़ों के अंदर? सुबह सुबह ही एनर्जी फील्ड में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. फिर सारा दिन में हर एक घंटे के बाद कम से कम एक मिनट के लिए हम पॉज करें और फिर यहाँ चेक करें कि मेरी क्या थिंकिंग चल रही है. और फिर से जो हमने वो छोटी सी मेडिटेशन सुबह क्रिएट की है, जो हम चाहते हैं कि हमारी रियलिटी बने, हमें हर घंटे के बाद एक मिनट पॉज करके वो थॉट फिर से क्रिएट करना है. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, आई एम फुल ऑफ लव, आई एक्सेप्ट एवरीवन, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. हर एक घंटे के बाद एक मिनट. ये हर एक घंटे के बाद एक मिनट करने से हम क्या कर रहे हैं कि अगर उस एक घंटे में कोई ऑर्डिनरी नेगेटिव या वेस्ट थॉट की वजह से एनर्जी थोड़ी नीचे जाने लगी थी, वो एक मिनट में कॉन्शियसली फिर परमात्मा से कनेक्ट करके ऐसी थॉट क्रिएट करके एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी? हाई. अगर हम हर एक घंटे के बाद एक मिनट के लिए ये करते हैं तो डिप्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा हुआ वापस उसको हाई लेकर गए. ये हम करें अगर हर एक घंटे के बाद, ये कोई एक दिन के लिए करके देखे सिर्फ कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है. जो हम अन्न खाएं, भोजन, अब अगर हाई एनर्जी फील्ड चाहिए तो हाई एनर्जी फूड खाना, तो हाई एनर्जी फूड वेरी इंपॉर्टेंट. प्योर ऑरा चाहिए, पावरफुल ऑरा चाहिए, सात्विक ऑरा चाहिए ना, तो फिर उसमें तामसिक भोजन, तामसिक कुछ खाया पिया, उसकी एनर्जी नहीं अटक सकती है. तामसिक भोजन इज द ईजिएस्ट वे टू डिप्लीट सोल पावर, इट्स वेरी ईजी. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, वेरी हाई एनर्जी फूड. उसमें कोई भी सब्सटेंस, अल्कोहल, स्मोकिंग जैसा, या कोई नॉनवेज, कोई ऐसी चीज़ फिर हमें अलाउड नहीं है. अगर मैंने अपना पर्पस बना लिया है कि मुझे एक प्योर एनर्जी फील्ड चाहिए, जो भी हम खाएं या पिए उसके लिए भी एक मिनट पॉज, और एक मिनट पॉज करके उसमें भी वो हाई एनर्जी की थॉट डाल दें. परमात्मा पवित्रता का सागर है, उसकी प्योरिटी इस खाने और पानी के कण कण में भरपूर है. मेरा हर थॉट, वर्ड, एक्शन प्योर है. शरीर को कोई चीज़ है, मेरा शरीर, ये अंग बिल्कुल हेल्दी है. जो हम चाहते हैं, अपने हर भोजन, पानी, और सारा दिन में कोई फ्रूट भी उठा के अगर खाया, कोई भी चीज़ जो अंदर जा रही है उसकी एनर्जी को हाई करके खाएं, क्योंकि वो चीज़ों की, वो पानी की, वो चाय की, कॉफ़ी की, सब चीज़ों की एक एनर्जी फील्ड है. वो आसपास की वाइब्रेशंस को कंज्यूम करते हैं. जब वो आसपास की वाइब्रेशन को कंज्यूम करेंगे, हम जब उनको ग्रहण करेंगे तो हम वो वाइब्रेशन भी कंज्यूम करेंगे. सो इफ़ आई वॉन्ट टू कीप माई एनर्जी फील्ड पॉजिटिव, आई विल हैव टू एनर्जाइज एवरीथिंग दैट आई कंज्यूम.
ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत हाई है. इट्स लाइक सारा दिन में जो चीज़ खाई वो प्रसाद है, जो पानी पिया वो अमृत है. तो अगर कोई सिर्फ प्रसाद खाए और अमृत पिए तो उसकी ऑरा तो एनर्जाइज्ड हो ही जाएगी. खाना ऐसा खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगा सके, और उसको खाते समय भोग लगा कर खाए ना, तो उसका भी लोभ तो लगाएंगे ना. विच मीन्स उसमें वो एनर्जी भरे. थोड़े दिन में ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कुछ भी खाने लगे, चलते फिरते कोई चीज ही उठा ली, ऐसे चले फ्रूट उठा लिया, इधर से उठे ड्राई फ्रूट, कोई भी चीज अंदर जा रही है. 30 सेकेंड पॉज. जितना हम हाई एनर्जी फूड एंड वाटर कंज्यूम करते जाएंगे, सुबह हमने मेडिटेशन किया, हमने फिर परमात्मा के महा सी हर तरफ से अपना हम ध्यान रख रहे हैं ना. सिर्फ एक चीज कर ली, सुबह मेडिटेशन कर लिया, लेकिन सारा दिन में अपना ध्यान नहीं रखा, तो फिर सारा दिन की वाइब्रेशंस भी. तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ थ्रू आउट द डे. इट हैज टू बी डेली. फिर डेली में भी सिर्फ सुबह मेडिटेशन कर लिया उससे भी नहीं होगा. सारा दिन बचना होगा, बचाना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा. बीच बीच में जब समय मिले तो एक दो मिनट के लिए फिर कुछ अच्छा पढ़ लें, सुन लें इन्फॉर्मेशन. दादी 5 बार पढ़ती हैं. छोटी सी छोटी चीज पे, कोई 2 लाइन, कोई 5 मिनट की कोई क्लास, कोई मैसेज, कुछ भी पढ़ लें. यहाँ पर अच्छा भोजन मिल जाता है, जैसे बीच बीच में शरीर के लिए एक फ्रूट कोई चीज़ ऐसे देते हैं ना, ऐसे सोल के लिए भी बीच बीच में कुछ भर लें. अगर ये हम करें और साथ साथ जो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो सही नहीं मेरी एनर्जी फील्ड के लिए, वो ना पढ़ें और सुने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कि एक तरफ से तो मैंने परमात्मा के महावाक्य पढ़े, कोई बहुत हाई एनर्जी एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन भरी, फिर सारा दिन में इतना कुछ और पढ़ लिया सुन लिया. सारा दिन क्यों बाहर निकले तो रेडियो भी के ऊपर न्यूज आती है, ड्राइवर न्यूज़पेपर रेडी रखता है गाड़ी में. हाँ. कि ऑफिस जाना है यहाँ से आपको, तो ऑल दिस वी हैव टू टेक केयर के मीडिया, सोशल मीडिया और आसपास के लोग हमें क्या क्या सुना रहे हैं. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ें, खुद चेक करें इसकी एनर्जी फील्ड क्या है. हर मैसेज जो हमारे व्हाट्सएप पे आ रहा है उसकी एक एनर्जी फील्ड है, उसमें एक वाइब्रेशन है, जिसने लिखा उसकी वाइब्रेशन है, जिस इंटेंशन से लिखा और जिस क्वालिटी का वो मैसेज है उसकी वाइब्रेशन है हम कंज्यूम कर रहे हैं. अगर हम ये ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर हम कहेंगे पता नहीं क्यों आई एम फीलिंग लो, और फिर लोगों का असर मुझ पर हो रहा है. तो बीच बीच में पॉजिटिव सुने पढ़ें, लेकिन साथ साथ दूसरा बिल्कुल ना सुने पढ़ें, कुछ अपने अंदर ना डालें. डिलीट बिफोर रीडिंग और लिसनिंग इज अ वेरी बिग प्रोटेक्शन. ये बहुत बड़ी चीज है. मैंने तो सारे ग्रुप से एग्जिट कर लिया अपने आप को. जो ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ कुछ अच्छा डल रहा है. हाँ. जो हमारे लिए एम्पावरिंग है वहाँ पर हम रहें. जो ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं, सो वी आर अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्लेइंग अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. फिर रात को सोने से पहले भी हमने जो वो मॉर्निंग में मेडिटेशन अपने लिए क्रिएट की थी, रात को सोते समय वो करे बिना नहीं सो सकते हम, क्योंकि रात को सोते समय हमें फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या लेकर जाना है. अगर सारा दिन में कुछ थोड़ा सा बातें आई, हम कहीं इंटेंगल हुए, कहीं उलझे, कहीं मन डिस्टर्ब हुआ, कुछ मैंने रॉन्ग संस्कार्स फिर से इमर्ज हुए, मुझे रात को सारी क्लेंजिंग करके फिर सोना है. क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो आसपास के वाइब्रेशन का असर ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि हमारी कैचिंग पावर हायर है, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, डिटैच्ड होकर साइलेंट होकर सो गए हैं. कैचिंग पावर इज वेरी हाई. नॉट ओनली दैट, पूरे दिन का आप लेके भी आए हो ना, इसलिए शाम को मेरी वी वर टॉट, हमको सिखाया जाता था. हाँ. घर पे आए, सुबह के कपड़े निकाल दिए, नए कपड़े से नहा धो के सो. जैसे नहाना धोना क्यों इम्पोर्टेंट है बाहर से आने के बाद, क्योंकि नहाने से भी हम क्या कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. कहीं भी हम पब्लिक प्लेस से आते हैं,
जहाँ बहुत लोग हैं, बहुत एनर्जी फील्स के साथ इंटेंगल हुए हैं, जस्ट कम बैक एंड क्लींज योर सेल्फ। उस जब सर पे पानी पड़ता है तो वैसे थॉट्स भी बदल जाती है। लेकिन फिर थॉट्स का भी ध्यान रखना है कि उसकी भी क्लेंसिंग। तो रात को सोने से पहले हमें फिर वही वाली थॉट्स फिर से क्रिएट करनी है। आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एक्सेप्ट एवरीवन, सबको सुख देने वाली मैं आत्मा हूँ, भगवान का मैं फरिश्ता। ये सोचते सोचते विजुअलाइज करते करते नींद आ जाए। अगर ये करते करते नींद आ गई तो रात को नींद में जो थिंकिंग चलेगी, जो वाइब्रेशन चलेगी, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। इतना अगर ध्यान रहे, और रात को सोने से पहले फिर 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ के सोना है। वी कैन नॉट एंड द डे विद न्यूज़, विद टीवी सीरियल्स, लड़ाई झगड़ा करके, मूवी, विद बुक्स, जहाँ पे कंटेंट अगेन या तो क्राइम है या टेरर है या पेन है या कोई भी ऐसी चीज़ है। अगर हम ऐसा कुछ ले भी रहे हैं उसके बाद देन लास्ट 5-10 मिनट्स हमें फिर कुछ बहुत पावरफुल पढ़ना है, सुनना है, फिर ये मेडिटेशन करना है, फिर सोना है। अगर ये हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर सारा दिन में ज्ञान इम्प्लीमेंट करना भी ईजी हो जाएगा। किसी को क्षमा करना ईजी, एक्सेप्ट करना ईजी, किसी को दुआएं देना जो आगे बढ़ रहा है इजी, नेचुरल होने लगेगा। क्योंकि हमने अपनी पावर को क्या रखा हुआ है, हाई। लेकिन डिप्लीटेड होकर हम कहें शांत भी रहना है, सबको सहयोग भी देना है, कुछ हर्ट भी ना फील हो, दैट्स डिफिकल्ट। सो कीप आवर एनर्जी फील्ड हाई, कीप टेकिंग इन द ज्ञान, देन इम्प्लीमेंटिंग द ज्ञान बिकम्स वेरी सिंपल। और जब ये होगा तो फिर हम आसपास की वाइब्रेशंस को नहीं कंज्यूम करते, हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम फिर औरों की वाइब्रेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड आल्सो वी आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एंड लाइक इट सेड रेडिएटिंग, वी आर नॉट कंज्यूमिंग, वी आर रेडिएटिंग दोस वाइब्रेशंस। एंड ये सबसे बड़ी सेवा है। वेरी ट्रू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम एनर्जीज अराउंड अस and also from people's negative thoughts about us, we need to take care of our own energies. If our energy field is highly positive, full of peace, love, purity, then we are radiating at a higher frequency. We will not get influenced by the lower frequencies around us. To keep our energy field high and aura clean, we begin the day with meditation. Our first thought can be, I am a divine soul. My every thought, word, and action is full of love and respect. I accept everyone as they are. This consciousness lowers our expectations and heals relationships. When we connect to the Supreme Power in the early morning or any time during the day, we are connecting to the ocean of purity, peace, and power. We absorb the highest vibrations into our energy field. After meditation, we study spiritual knowledge. During the day, 1 minute after every hour, reaffirm our positive thoughts, avoid negative information from media. Before sleeping, again spend 10 minutes for spiritual study and meditation. This keeps us clean and at high frequency. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099
9955956600। शांति।